पाकिस्तानी मईशत की कश्ती मुश्किलात के भंवर में फंसी हिचकोले खा रही है। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के हर शोबे में पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने कर दिखाया कमाल। बांग्लादेश मईशत के हर शोबे में पाकिस्तान से आगे निकल गया। अस्सलामु अलैकुम, अपनारा केमन आसेन? आशा करी सबाई भालो आसेन। आमी जुनेद, अपनारा देखते सान जुनेद अली ऑफिशियल। आमी अपनादेर जोन्नो आगती वीडियो प्ले करती जाच्छी, सबाई देखबेन, आशा करी सबाई देखबेन, भालो लागबे। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश ने 2023 और 2024 का बजट पेश कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा हो गया कि देखें बांग्लादेश 50 साल पहले पाकिस्तान से अलहदा हुआ और आज पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के मुकाबले में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली और आज पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बोचाल आया हुआ है कि देखें बांग्लादेश ने अपना बजट पेश किया जिसमें अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है। मजीद पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी पाकिस्तानी मईशत की कश्ती मुश्किलात के भंवर में फंसी हिचकोले खा रही है। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के हर शोबे में पीछे छोड़ दिया है। ज़रे मुबादला के ज़खायर हों या बरामदात का मैदान, फीकस आमदनी की बात हो या करेंसी की कदर का मामला, बांग्लादेश मईशत के हर शोबे में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने कर दिखाया कमाल। बांग्लादेश मईशत के हर शोबे में पाकिस्तान से आगे निकल गया। बांग्लादेश ने वाली साल 2023-24 के लिए 71 अरब डॉलर का वफाकी बजट पेश कर दिया। बांग्लादेश के बजट में शरह नमू का हदफ 7.5% जबकि औसत अफराज जर का तखमीना 6.5% लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट का मुमकिन हदफ 3.5% जबकि महंगाई का तखमीना 21% है। नए वाले साल के मौके पर बांग्लादेश के पास तकरीबन 31 अरब डॉलर के जर मुबादला जखायर है, जबकि पाकिस्तान के जर मुबादला जखायर 4 अरब डॉलर से भी नीचे है और वो भी दोस्तों मालिक से ली गई उधार रकम पर मुश्तमिल है। अलहदी के बाद 52 बरस में बांग्लादेश की बरामदात 52 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि इसी मुद्दत में पाकिस्तान की बरामदात महज 31.78 अरब डॉलर तक महदूद रही। बजट में बांग्लादेश ने बरामदात का हदफ 67 अरब डॉलर रखा है, जिसमें 65 अरब डॉलर से जायद का हदफ हासिल होने की उम्मीद है। माली साल 2023 में पाकिस्तान का बरामदात का हदफ 38 अरब डॉलर रहा था, तहम पाकिस्तान अब तक सिर्फ 21.5 अरब डॉलर की बरामदात और खिदमात फराहम कर सका है। अक्टूबर 2022 से पाकिस्तानी बरामदात में कमी का सिलसिला जारी है और इम्कान है कि ये 30 अरब डॉलर की सतह को भी नहीं पहुंच पाएंगी। बांग्लादेश की फीकस आमदन माली साल 2023 के दौरान तकरीबन 2675 डॉलर रही थी, जबकि इसी अरसे के लिए पाकिस्तान में इसका तखमीना 1568 डॉलर लगाया गया है। पाकिस्तानी रुपए की कदर अब 0.38% के बराबर रह गई है। अमेरिकी तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तान के मुकाबले में बांग्लादेश कितना आगे निकल चुका है। बांग्लादेश के अंदर बजट पेश किया गया और उस बजट के अंदर ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश ने कितना ज़रे मुबादला कमाया, बांग्लादेश की फीकस आमदनी कितनी है, बांग्लादेश में महंगाई की शरह कितनी है, बांग्लादेश ने किस कदर तरक्की की है और आज पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर से कमज़ोर हो रही है। पाकिस्तान अपने हदफ को भी पूरा नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ बांग्लादेश अपने हदफ को बढ़ाता जा रहा है और कामयाबी से हासिल करता जा रहा है। 50 साल पहले पाकिस्तान से अलग होने वाला बांग्लादेश आज मईशत के मुकाबले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है और पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो पाकिस्तान के मीडिया ने भी आज बांग्लादेश की तारीफ करते हुए ये बात की है कि मईशत के मामले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया और मईशत के मुकाबले में बांग्लादेश ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।